राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर साईं मंदिर डिडवी टिक्कर के पास सड़क किनारे मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद हसन निवासी कदरियाना के ट्रेडर्स कबाड़ में अचानक आग लगी, जिसमें कबाड़ के 15 वाहन, कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल व प्लास्टिक व अन्य सामान इस आग के चपेट में आ गए। वहीं ये हादसा रात के समय 10 बजे के आसपास हुआ। जब यहां हादसा हुआ तो आसपास के स्थानीय लोग काफी घबरा गए। आग की लपटें भयंकर रूप से आगे बढ़ रही थी। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी। वहीं दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। वहीं लगभग 3 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और इस आग पर काबू पाने के लिए एक दमकल विभाग की गाड़ी बिज्जर से बुलाई गई। वहीं लगभग 4 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगर वक्त रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस अग्निकांड में लगभग 12 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगा है। वहीं दमकल विभाग के कर्मचारियों ने लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति भी राख होने से बचाई, जिसमें राहुल ट्रेडर्स के दो कबाड़ के भरे ट्रक व 27 वाहन और हमीरपुर जिले के प्रसिद्ध साईं मंदिर लगती दुकानों को इस आग की चपेट में आने से बचा लिया। वहीं आग किन कारणों से लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं ग्राम पंचायत के उप प्रधान सुरजीत कटोच ने बताया कि रात के समय घटनास्थल का दौरा किया गया था। वहीं बोडा पुलिस चौकी के प्रभारी सुखदेव सिंह का कहना है कि मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।